में किसानों आम नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक चंद्रशेखर बावन कुले ने उपमंडल अधिकारियों, तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को तत्काल मदद दिलाने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित निरीक्षण दौरे के दौरान उन्होंने काटोल तालुका में पुल के ढहने के संबंध में संबंधित अधिकारी से फोन पर बात की। चंद्रशेखर बावन कुले ने रविवार से जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा शुरू किया। दूसरे दिन उन्होंने काटोल तालुका के रिधौरा गांव के पांचरा काठी का दौरा किया। नरखेर तालुका के बनोर और सावनेर तालुका के खुबाला में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया गया। काटोल तालुका के पांचरा काठी में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करते हुए यह पता चला कि नया पुल 6 महीने में बह गया था। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन पर ग्रामीणों के सामने रखा। पुल की तत्काल मरम्मत कर इसकी ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए। 8 दिवसापासन काटोल नरखेड तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी आहे आणि नागपूर जिल्ह्यातले या अतिवृष्टीचा दौरा आम्ही करतो आहे। अनेक गावात गावामध्ये शेती नुकसानाच्या भेटी आम्ही दिल्या। उपविभागीय अधिकारी यांना सांगितलं आहे की तातडीनं पंचनामे केले पाहिजे, त्या पंचनाम्यावर गाव ग्रामपंचायतच्या सरपंचाच्या सह्या घेतल्या पाहिजे। खरडून गेलेल्या जमिनी, पडलेली घरे, शेतीचं नुकसान, जनावरं दगावलीत, काही जीवहानी झाली आहेत, या सर्व बाबीचा एकंदरीत गोषवारा तयार करून शासनात सादर करा, जेणेकरून शासनाला नुकसान भरपाई देण्याकरता योग्य व्यक्तीला नुकसान भरपाई मिळेल याकरता हा दौरा आहे। या दौऱ्याच्या माध्यमातून शासनाकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने काटोल के अनुमंडल पदाधिकारी से चर्चा की। नरखेड तालुका के बानोर गांव का दौरा किया। गांव को जोड़ने वाला मुख्य पुल बारिश में बह गया, इससे ग्रामीण और किसानों को काफी परेशानी हुई। यहां हानि प्रभावी किसानों का दर्द सुना। यहां के किसानों को हर संभव मदद मिलने का आश्वासन दिया गया। सावनेर तालुका के खुबाल में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया गया। उपमंडल अधिकारी सावनेर से यहां के हालात पर चर्चा की। सरकार के माध्यम से नागरिकों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए। 12 जुलाई को नांदा गोमुख के पास ब्रह्मांड मारी नदी के पुल को पार करते समय स्कॉर्पियो बाढ़ में बह गई थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में नांदा गोमुख के सुरेश ढोके के रिश्तेदारों की मौत हो गई। उन्होंने सुरेश ढोके के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।